कैसा लग रहा हूँ? हीरो लग रहे हो भाई, हीरो। अभी टिकट ले लिया है मैंने, दो लोगों का 50 रुपए एक का पड़ा है और दो लिए हैं तो 100 पड़ा है। आईडी की जरूरत नहीं थी। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और अभी हम लोग आ चुके हैं जंतर मंतर जयपुर वाले में। दिल्ली में मैं गया था तो वहाँ आने दिखाया था, और 5 जंतर मंतर हैं टोटल। तो अभी दूसरे जंतर मंतर में आए हैं जयपुर में जो बना था, और ये लेटेस्ट है, सबसे बाद में बनाया गया था लेकिन सबसे बड़ा है। तो अभी टिकट्स ले लिए हैं मैंने, और टोपी वो भी देखिए एकदम राजस्थानी लुक। तो आ गए हम लोग जंतर मंतर के अंदर। ये देखिए कुछ सिमिलर सा है जैसे दिल्ली में बना था, ये वाला पोल आपको जो दिख पा रहा है। अभी पास से चलूँगा मैं तो आपको एक एक एक्सप्लेन करके बताऊँगा जितना मुझे पता है। यहाँ गाइड भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं गाइड नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि इमामबाड़ा में मैंने गाइड लिया था तो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि खुद ही बताया करो, तो इसलिए मैं यहाँ गाइड नहीं लेने वाला हूँ। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको साथ में शेयर करता रहूँगा। जो जयपुर में जंतर मंतर है यहाँ वाला, यहाँ पर दुनिया का बिगेस्ट सन डायल है। तो अभी चलते हैं उधर, और इधर भीड़ देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा है। तो आ गए हैं बिगेस्ट सन डायल के पास, ये रही यहाँ पर। ये जो अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है बिगेस्ट सन डायल इन द वर्ल्ड, जो कि है जयपुर जंतर मंतर में। और इस सन डायल में सन की पोजीशन के हिसाब से टाइम का कैलकुलेशन होता है। तो ये जो सन डायल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, इधर वाला आपको दिख रहा होगा आधा टाइम में दिखाता है, ये 6 से 12 तक दोपहर, और इधर 12 से 6 तक शाम का टाइमिंग शो करता है। और अभी मैं पास से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से जो टाइम का कैलकुलेशन होता है ये जयपुर के लोकल टाइम को कैलकुलेट करता है, लेकिन आपको पता होगा जो इंडिया का टाइम मेजरमेंट होता है वो नैनी जो इलाहाबाद और वहाँ मिर्ज़ापुर दो जगह से कैलकुलेट होता है। तो वहाँ से IST गुजरती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो वहाँ से कैलकुलेट होता है। लेकिन जयपुर जो है इसका लॉन्गिट्यूड डिफरेंट है, तो लॉन्गिट्यूड अलग होने की वजह से जयपुर का टाइम पीछे रहता है, और करीब 41 मिनट्स ये एगो रहता है पीछे। तो यहाँ का अगर टाइम देखेंगे अभी तो ये 1 बज रहा है और ये मिनट्स को डिफाइन करेगा। तो हर यहाँ पर देख सकते हैं अभी करीब 1:11 हो रहा है, ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहा है 1:11। तो इसमें 41 मिनट्स ऐड करेंगे तो एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा। तो इस समय आप देख सकते हैं 1:51 यानी 1:52 मैंने बताया था। तो अभी ये जो शेडो है दोनों यूनिट्स के बीच में है, तो 1:52 करीब एक्यूरेट टाइम को ये शो कर रहा है। ठीक 12 बजने के बाद शाम को 6 बजे तक ये इधर का टाइम कैलकुलेट करता है, और मॉर्निंग का टाइम शेडो उस तरफ पड़ती है तो सुबह 6 से 12 तक टाइम उस वाले एंगल पर कवर करता है, और ये केवल दिन का टाइम शो करता है, मीन मॉर्निंग में 6 से शाम को 6 बजे तक। बाकी पूरा टाइम कैलकुलेट करने के लिए दूसरा सन क्लॉक बना है उधर, वो 24 घंटे का शो करता है, वो नाइट में मून की शेडो के हिसाब से कैलकुलेट करता है, ये केवल सन के शेडो के बेसिस पे कवर करता है। तो ये जो सन डायल था, सन डायल के बगल में ये आपको एक पोल मिल जाएगा, और यहाँ पर ये जो मार्क लगा है ये देख सकते हैं, ये लाइन बनी है, यहाँ पर टेलीस्कोप लगाते हैं और इसको इसी एंगल पर इंक्लाइन करके देखते हैं तो पोलर स्टार की पोजीशन समझ में आती है, जहाँ से डायरेक्शन का पता चलता है। यानी ध्रुव तारा जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ से जो पोलर स्टार की पोजीशन होती है वहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाती है। उसके जस्ट अपोजिट जाएंगे साउथ मिल जाएगा, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट मिल जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्शन आप कैलकुलेट कर सकते। वैसे इंडिया में टोटल 5 जंतर मंतर हैं मैंने आपको बताया था, बट दिस इज़ द ओनली जंतर मंतर विच इज़ इन वर्किंग पोजीशन टिल नाउ। और इसका रीज़न यही है कि बाकी जो जंतर मंतर हैं वहाँ आसपास में बिल्डिंग्स बन गई हैं तो सन की शेडो प्रॉपर पड़ती नहीं है, लेकिन यहाँ आसपास में कोई भी बड़ी बिल्डिंग नहीं है और यहाँ पर बनाने की भी मनाही है, यानी आप बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर नहीं बनवा सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा चारों तरफ आपको खाली ही खाली दिखाई पड़ेगा, माउंटेन्स हैं तो सन की शेडो प्रॉपर पड़ती है, और यही रीज़न है कि ये आज भी वर्किंग पोजीशन में है। अगले यंत्र की तरफ आ चुके हैं, यह है यंत्र राज, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से ग्रह नक्षत्रों की जो है डायरेक्शन और उनका टाइम पोजीशन इंक्लिनेशन हर चीज़ यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है। ये लेकिन अभी वर्किंग पोजीशन में नहीं है, जबकि वो सनडायल वर्किंग पोजीशन में था। तो अभी हम चल रहे हैं अगले यंत्र की तरफ जिसका नाम है जयप्रकाश यंत्र, और यहाँ पर लिखा है जयप्रकाश यंत्र। नाम इसका इसलिए है क्योंकि राजा जयसिंह ने बनवाया था, और प्रकाश मतलब सनलाइट के बेसिस पर चलता है, तो इसीलिए उसको मिलाकर जयप्रकाश यंत्र बोला गया है। और एक इधर दोनों आप देख सकते हैं,
और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों को अगर उठाकर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक ग्लोब बन जाएगा। और यहाँ से राशियों के बारे में पता चलता है कि कौन किस राशि में है या सूरज किस राशि में अभी एंटर कर चुका। तो ये जो आपको पिन दिख रही है यहाँ पर, जिसमें देखिए एक पिन लगा है, ये आपको शायद दिख पा रहा होगा, और उस पिन की शैडो उस मार्बल पर पड़ रही है। तो बीच से जो वो देखिए आपको बीच से एक लाइन जा रही होगी वो है इक्वेटर, और टोटल 12 राशियां होती हैं, तो 6 उस तरफ हैं इक्वेटर के और 6 इस तरफ हैं। तो आज है 22 फरवरी और आज ही जो है सूरज मीन राशि में प्रवेश कर चुका है। नीचे आपको दिख रहा होगा जहाँ पर ये शेडो पिन की शेडो पड़ रही है वहाँ पर छोटे छोटे लेटर्स में लिखा हुआ है मीन। इसके पहले अभी कल तक जो है कुंभ राशि में था और एक महीने तक मीन राशि में रहेगा और उसके बाद फिर राशि चेंज करेगा। जैसे जैसे 21 मार्च को आएगा तो ये शेडो इक्वेटर पर आ जाएगी, जब दिन रात बराबर होते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो पिन की शेडो है इसको सन माना गया है, सूरज माना गया है। तो अभी ये मीन राशि में है और अभी एक महीने तक जितने भी बच्चे पैदा होंगे तो मीन राशि या कुंभ राशि जो राशियाँ राशिकरण होता है, राशि का नाम होता है, वो इसी आधार पर रखा जाता है। अभी हम आ चुके हैं अगले यंत्र की तरफ और ये है कपाली यंत्र। ये देख सकते हैं जयप्रकाश यंत्र का ये रफ मॉडल है, पहले यहाँ पर रफली बनाकर चेक किया गया, जब एक्यूरेसी मिल गई तब वहाँ पर उधर बनाया गया था उसका एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए। इधर भी आपको ये पिन मिल जाएगी, ये रफ मॉडल है और उसको इधर बनाया गया एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। इधर एक चक्र मिला है, ये एक चक्र है और एक चक्र ये है, ये इसका रफ मॉडल है, जब एक्यूरेसी सही से आ गई तब इसको ओरिजिनल बनाया गया था। पहले ये रोटेट होता था लेकिन जो टूरिस्ट आते थे इसमें झूला झूलने लगते थे तो इसीलिए इसको लॉक कर दिया गया। यहाँ से पता चलता है सन कितने डिग्री पर है, नॉर्थ में है या साउथ में, वो तो हम जान जाते हैं लेकिन कितने डिग्री पर इंक्लाइंट है वो नहीं पता चल पाता। तो उसके लिए यहाँ पर कोई पिन रखते हैं और जो सन मैक्सिमम रोटेट करता है नॉर्थ में वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाता है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जो साउथ में जाता है वो 23.5 डिग्री साउथ में जाता है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। अब कितने डिग्री पर सन इस समय इंक्लाइंट है वो देखते हैं। तो यहाँ पर एक पिन रखेंगे या पेन रखेंगे कुछ भी, तो ये शेडो आपको दिख रही है, अगर ये पिन बड़ी होती फॉर एग्जांपल इसको अगर खींचेंगे तो यहाँ पर ये शेडो आपको शायद ये दिख पा रही होगी, यहाँ देख सकते हैं आप। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12। तो अभी इस समय जो सन है वो 12 डिग्री नॉर्थ में इंक्लाइंट है, तो ये देख सकते हैं आप। और ये मैक्सिमम 23 डिग्री तक जा चुका था, 23.5 डिग्री तक 22 दिसंबर को, और अब ये धीरे धीरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएगा। जंतर मंतर जयपुर में यही कुछ मेजर स्ट्रक्चर्स थे जो मैंने आपको दिखाए, और कहने को तो यहाँ टोटल 19 स्ट्रक्चर हैं लेकिन वो सिर्फ कहने को हैं क्योंकि जो टोटल 19 है उनमें बहुत सारे कॉपीड हैं। कॉपीड बोले तो जैसे हम लोग कोई आर्ट में ड्राइंग बनाते हैं तो पहले उसको पेंसिल से बनाते हैं, फिर अच्छा सा बन जाता है तब पेन से स्केच करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पहले बहुत सारी चीज़ों का रफली प्रैक्टिकल किया गया, तो जो रफ काम था उसको भी एक स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है, जैसे कपाली यंत्र जयप्रकाश यंत्र का प्रैक्टिकल था कॉपी था, तो उसी तरह यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर के पहले प्रैक्टिकल किए गए उनको भी एक स्ट्रक्चर मान करके इस तरह टोटल 19 स्ट्रक्चर हैं। अभी इधर मैं आ गया हूँ और इधर आपको ये जो स्टोन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो 12 राशियाँ होती हैं सबके अलग अलग स्ट्रक्चर बने हैं इधर, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक देख सकते हैं आप, ये कन्या राशि का बना हुआ है, उसी तरह मिथुन राशि का और सिंह राशि, सारी राशियों का इधर बना हुआ है, और यहाँ से भी कुछ कैलकुलेशन होता है, मैंने कोशिश की समझने की लेकिन कुछ समझ में नहीं आया और गाइड है नहीं तो इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊँगा इसके बारे में ज़्यादा कुछ। और इस जंतर मंतर को भी सवाई जयसिंह ने बनवाया था, और यहाँ देखकर लगता है कि उस टाइम इंडियंस कितना आगे की सोचते थे, दूरदर्शी थे, जब यूरोपियन कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशंस नहीं होती थी टाइम और एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से, तब यहाँ पर 2 सेकंड तक एक्यूरेसी का टाइम कैलकुलेशन होता था, वो भी सन की शैडो के बेसिस पे। तो सही जगह है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, और वर्किंग पोजीशन में तो ये बढ़िया बात है, बाकी दिल्ली वाला तो वर्किंग पोजीशन में था नहीं, बाकी मथुरा और जो भी और जगह हैं बनारस में कोई भी वर्किंग पोजीशन में नहीं है, सिर्फ ये जयपुर वाला जो है जंतर मंतर यही वर्किंग पोजीशन में है, क्योंकि सन की शैडो अभी देख सकते हैं आप एकदम प्रॉपरली पड़ती है, चाहे समर्स हो या विंटर्स हो, तो मतलब आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है ज्योग्राफी में एस्ट्रोलॉजी में तो मज़ा आएगा। और बस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।